जिराफ की गर्दन इतनी लंबी क्यों होती है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का श्रेय फ्रांस के जूलॉजिस्ट जीन बैप्टिस्ट लैमार्क को दिया जाता है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत साल पहले जब जिराफ की गर्दन इतनी लंबी नहीं थी, तब वह ऐसे जगहों में रहता था जहां की जमीन सूखा और बंजर था। तब उन दिनों जिराफ को पत्तियों को खाने के लिए अन्य शाकाहारी जानवर जैसे हिरन या हाथी से कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ता था। इसका रिजल्ट ये निकला कि जिराफ को पेड़ के ऊपर की पत्तियों को खाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा, जहां अन्य शाकाहारी जानवर नहीं पहुंच पाते थे। ये पत्ते जिराफ के तुलना में अधिक ऊंचाई पर थे, इसलिए इन पत्तियों तक पहुंचने के लिए जिराफ को लगातार अपनी गर्दन को फैलाना पड़ता था। इसलिए जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने निष्कर्ष निकाला कि जिराफ की लंबी गर्दन पीढ़ी दर पीढ़ी बार बार गर्दन में खिंचाव की वजह से हुआ है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताओ।